प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर का रोटेशनल मोशन का पहला वीडियो आज हम बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे और ये क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स पर आधारित है इसलिए ये टेन प्लस वन व आईआईटी और नीट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है इसलिए आगे की टॉपिक्स को समझने के लिए आज के वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन ए बॉडी इज सेट टू बी इन रोटेशनल मोशन इफ इट मूव इन ए सर्कुलर पाथ in a circular path the velocity of the body cannot be uniform because the direction changes at every moment but speed can be constant so consider a body is in rotation motion and this body or particle reach at point b from a to b in time t हमने जो लीनियर मोशन में जो कंसेप्ट पढ़े थे जो वही सब बातें रोटेशन मोशन में रिप्लेस हो जाएंगी उनकी जगह कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ले लेती हैं आज उन्हीं की बात हम सबसे पहले करेंगे तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है चेंज इन पोजिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट गिवन टाइम। यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि बॉडी रोटेशनल मोशन में है इसलिए ये जो एंगल ये जो रेडियस वेक्टर है हमारा ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी आप यही कहेंगे एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर एट सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इन गिवन टाइम इज कल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाई थिटा इसे हम थिटा से लिखेंगे और इसकी जो ऐसा ही यूनिट होती है प्यारे बच्चों ये हमें पता होना चाहिए इज रेडियन वैसे हम इसको डिग्री में मापते हैं और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री जब भी हमें डिग्री और रेडियन में इनमें कन्वर्ट करना पड़े तो आप इस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे यानी कि ये कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन एंगुलर वेलोस्टी प्यारे बच्चों एंगुलर वेलोस्टी प्लेज सेम रोल इन रोटेशन मोशन एज वेलोस्टी इन लीनियर मोशन और वेलोस्टी के बारे में हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोस्टी तो यहां क्या लिखेंगे वही बात यहां पर हो जाएगी क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का स्थान किसने ले लिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने इसलिए हम यहां लिखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोस्टी इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा जैसे इस, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं अब आप एक बात देखिए कि इफ डेल्टा थीटा इज दी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम मान लो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है किसी पार्टिकल का जो कि रोटेशनल मोशन में है तो यूनिट टाइम में कितना होगा तो ये यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा इट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी डेल्टा जो है, को शो कर रहा है तो ये हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोस्टी हां अगर टाइम इंटरवल में हम बहुत कम कर ले लिमिट लगा दें तो इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो then this delta theta by delta t it can be written as d theta by dt और प्यारे बच्चों मोटे तौर पर अगर हम इसे लिखें तो याद रखने के लिए थीटा बाई टी इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं इसकी तमाम यूनिट्स वगैरह के लिए, लिखने के लिए देखिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी दसाई यूनिट इज ऐसा यूनिट इज एंगल की यूनिट क्या होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या है रेडियन तो हम भी लिख देते हैं रेडियन और नीचे टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोस्टी अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लीनियर वेलोस्टी जो हमने पीछे पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो प्यारे बच्चों देखिए ए बॉडी दिस पार्टिकल विच इज इन रोटेशनल मोशन रीच फ्रॉम ए टू तो बी इन टाइम टी और इसकी स्पीड क्या है वी इज दिस स्पीड सो हम इसको लिखेंगे दिस वी कैन बी रिटर्न हियर दैट डिस्टेंस जो भी है डिवाइडेड ये आर कह बेटे इच आप है यहां से यहां तक देखिए आर्क हम कह सकते हैं ये ये दूरी है ए टू बी और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में जाता है वी टी टाइम में ये ये वी वेलोसिटी से बॉडी ए टू बी मूव कर रही है इसलिए हम इसको लिखेंगे लेकिन एक बात हम जानते हैं यहाँ से बट आर्क का फॉर्म हम जानते हैं एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस थीटा इज द एंगल विच इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर इज द रेडियस हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए आर का निशान है इट इज इक्वल टू थीटा इन टू आर नाउ दिस इक्वेशन वन बिकम्स इक्वेशन वन बिकम्स लाइक दिस दैट वी इज इक्वल टू थीटा r आर और डिवाइड बाई टी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं वी इज्वक्ल टू आर होमेंगा क्योंकि हम जानते हैं theta बाई टी क्या होता है अभी है मैंने बताया था थोड़ी देर पहले एंगुलर वेलोसिटी इसलिए ये हो गया अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें इन वेटर फॉरम तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे v इजल टू ओमेगा क्रोश आर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोस्टी एंड एंगुलर वेलोस्टी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोस्टी कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल जो हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं उसी तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं एक ओट्रम आपने पढ़ा है एक्सलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या होता है वो आप जानते हैं लेकिन यहाँ हम क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे एंगुलर एक्सलरेशन तो चलिए फिर आप मुझे बताइए कि एक्सलरेशन क्या होता है लीनियर मोशन में जो आपने पीछे पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोस्टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की एंगुलर एक्सलरेशन प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज लीनियर एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन यानी हम इसे लिखेंगे और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोस्टी इज कॉल्ड एंगुलर एसलरेशन इट इज डिनोटेड बाई एल्फा हम अल्फा से इसे लिखेंगे आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं देखिए कि इफ डेल्टा ओमेगा इज दी चेंज इन चेंज इन एंगुलर वेलोस्टी इन डेल्टा टी टाइम तो प्यारे बच्चों फिर ये अल्फा कितना हो जाएगा यूनिट टाइम में कितना जब डेल्टा टी टाइम में इतनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो जाएगी डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी अगर हम यहां टाइम इंटरवल की लिमिट लगा दें यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी दिस कैन बी रिटर्न हियर दैट डी ओमेगा बाई डी टी दिस इज अल्फा हियर और प्यारे बच्चों अब हम पहले जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी बाई डी टी तो ये है और यहां पर हम लिख देंगे थीटा कर दिया है. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं हां इसको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा बाई टी और प्यारे बच्चों इस आधार पर आप एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट भी लिख सकते हैं तो चलिए लिखते हैं व्हाट इज यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन एस आई यूनिट इज यहीं से एंगुलर की हम यूनिट पहले से जानते हैं क्या होती है रेडियन पर सेकेंड और नीचे टाइम और है तो हम क्या लिख देंगे रेडियन पर सेकेंड स्केल दिस इज यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अब हम एक और बात देख लेते हैं कि क्या लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो प्यारे बच्चों वही सिंपल बात जो डायरेक्ट चीज है वो हम यहां लेके चलेंगे वी नो लीनियर एक्सलेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी वेलोसिटी बाय टाइम टाइम या पर यूनिट हम कह सकते हैं बट एक पॉइंट हम यहाँ जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशन किया था वी इजल टू आर ओमेगा सो पुट दिस वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन वी राइट ए इज इक्वल टू आर ओमेगा बाई टी और यहां से देखिए कि जो ओमेगा बाई टी है इट इज इक्वल टू एंगुलर एसोलेशन ये चीज मैंने पहले ही आपको बता रखी है तो यहां से हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू आर एल्फा तो ये हो गया और इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म लीनियर रेस्लेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रोश आर दिस इक्वेशन ये दोनों ही इक्वेशन जो है दीज टू इक्वेश सेटअप द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ए कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थम रूल और स्क्रू रूल एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग अल्फा एंड आर और ये चीज़ हम यहाँ निकाल सकते हैं तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो भी चीजें हमने फिजिकल क्वांटिटीज लीनियर मोशन में पढ़ी थी उन सब को कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में रिप्लेस कर रही है वहां पर हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव की थी हमने कहा था इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यहां पर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए आपने तीन इक्वेश्स ऑफ मोशन लीनियर मोशन में पढ़ी थी मैं उनको लिख देता हूँ वो क्या थी हमारी पहली इक्वेशन क्या थी जो वहाँ आपने पढ़ी थी वी इजकल टू यू प्लस ए टी दूसरी इक्वेशन क्या थी एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी और जो तीसरी इक्वेशन आपने पढ़ी थी वो थी वी स्केयर माइनस यू इजकल टू ए एस ये जो तीनों इक्वेशन्स आपने पढ़ी हैं लीनियर मोशन में वो चीज़ें अब हम डिराइव करेंगे इनके इक्वलेंट जो इक्वेशंस हैं रोटेशनल मोशन में जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन भी कहते हैं तो चलिए शुरुआत आप कैसे करोगे कि कंसीडर ए बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट और एक्सलरेशन अल्फा अल्फा एक्सलरेशन से बॉडी रोटेट कर रही है किसी रोटेश सर्कुलर पाथ में और हम यहां यह भी लिख देंगे कि लेट अस राइट हियर ओमेगा नोट इज द इनिशियल इनिशियल एंगुलर वेलोस्टी यह है बेटे ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर होने वाले हैं आप जान जाएंगे अगर इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से इस लेक्चर को देखोगे इंटरटेनमेंट लेक्चर की तरह नहीं ओमेगा इज द फाइनल ये तो एट टी इजकल टू जीरो टाइम पर है फाइनल एंगुलर वेलोस्टी आफ्टर टाइम टी और अल्फा क्या है अल्फा इज दी मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट एंगुलर एक्सल्रेशन तो प्यारे बच्चों जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ ड्राइव कर रहे थे रोटेशन मोशन में लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे तो हम एक्सलरेशन लेके चलेंगे सेकेंड इक्वेशन मोशन को जो हम ड्राइव करेंगे तो हम वेलोस्टी लेके चलेंगे और थर्ड इक्वेशन मोशन में हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे तो चीज़ वो कि वो यहाँ पर भी लागू होती है तो चलिए हम सबसे पहले ये सब लिखने के बाद ड्राइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन तो प्यारे बच्चों आप वी नो वही एक्सलरेशन लेके चलेंगे तो यहां हम क्या लेके चलेंगे एंगुलर एसलेशन वी नो एंगुलर एक्सलेशन इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय डी और हम इसे यहां बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से डिराइव करने वाले हैं तो हमने ये लिख दिया है तो देखिए अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए देखिए क्या लिखेंगे एल्फाइज दिस सो

और जब टी टाइम है तो कितनी है ओमेगा और इसको हम लिख देंगे डी ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू अल्फा क्योंकि कॉन्स्टेंट है भार ले ले लेते हैं टाइम वही है जीरो टू टी डी टी, टी अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए कैसे लिखेंगे क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ओमेगा लिमिट्स हम जानते ही हैं ओमेगा नोट ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू अल्फा ये फिर देखिए आप यहां पर टी जीरो टू टी ये हो गया है अब लिमिट्स खोल देते हैं आप जानते हैं लिमिट्स हम कैसे ओपन करते हैं पहले अपर लिमिट रखेंगे इसके स्थान पर फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट यानी ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इट इज इक्वल टू अल्फा इनटू यहां पर भी लिमिट्स रख देंगे पहले अपर लिमिट रखी तो टी टी माइनस जीरो और ये देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू अल्फा टी यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी और यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो बिल्कुल इस इक्वेशन के इक्वलेंट है वी फाइनल वेलोसिटी थी यहाँ पर भी वही है यू इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पर भी वही है कांस्टेंट एसोलेशन था यहाँ पर भी वही है और टी टाइम है तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ ये देखिए पहली इक्वेशन अब हमारे पास क्या बन गई है ओमेगा इजकल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी जो हमारी इस इक्वेशन के इक्वलेंट है रोटेशनल मोशन में चलिए अब हम ड्राइव करते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या लेके चले थे वेलोस्टी तो हम यही लिखेंगे वी नो ये याद रखने हैं कि जैसे कहीं पर भी कोई चीज़ हमें डिराइव करनी हो तो शुरुआत कहाँ से करेंगे ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है जैसे किसी जगह हमें जाना हो कोई हमारी जर्नी हो घूमने जाना है या कहीं की विजिट पे जाना है तो शुरुआत हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से अपनी शुरुआत करने है, अपनी जर्नी की बस से जाएंगे गाड़ी से जाएंगे वैसे और फिर बीच में अगर कहीं चेंज करना हो तो वो स्टेप याद रखेंगे और फिर फाइनल पहुँचना कहाँ है वो अगर ये तीन चार स्टेप्स आप याद रखेंगे तो किसी भी आर्टिकल को ड्राइव करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा और आप बिल्कुल सही जगह पहुंचेंगे is equal to, आप जानते हैं यानी कि यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन वी राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी ये देखिए ये हमने लिख दिया है और इसे इन, इन, और इन टू डी टी ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बिटवीन जीरो टू टी चलिए कर रहे हैं और ये और बता देता हूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था हमारा वो जीरो टाइम पर कितना था थीटा नोट और टी टाइम पर कितना है थीटा और थीटा नोट को आप अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो भी ले सकते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो था स्टार्टिंग में तो जीरो भी ले सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन जीरो टू थी इंटू डी थीटा इट इज इक्वल टू इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे ओमेगा नोट इंटू डी टी क्योंकि इसमें दो ट्रम है और ये टाइम है तो यहां जीरो टू टी और प्लस अल्फा जीरो टू टी इंटू टी इंटू डी टी इस तरीके से आप लिख करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जब हम इस ट्रम को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा थीटा क्योंकि यहां थीटा है नहीं तो थीटा की पावर कितनी है जीरो और पावर में जब वन ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा और फिर टोटल पावर से हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे यानी कि थीटा जीरो टू थीटा एंड इट इज इक्वल टू ये ओमेगा नोट तो कॉन्स्टेंट है और अंदर टाइम आ जाएगा टाइम है टी लिमिट्स रख देंगे वही जीरो टू टी क्योंकि ओमेगा नोट जो कि कॉन्स्टेंट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जो टाइम पर आगे चल के डिपेंड नहीं करेगी वो तो उतनी ही रहेगी इसलिए हमने ये लिख दिया प्लस अल्फा यहाँ देखिए टाइम की पावर वन है तो पावर में वन ऐड किया हमने तो कुल कितना हो गया टी की पावर टू बाई टू लाइक दिस और लिमिट्स वही हैं जीरो टू टी अब हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ आ जाएगी देखिए यहाँ पर जब हम लिमिट ओपन करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि थीटा फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट ये रख दिया तो थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू ये देखिए इस टी के स्थान पर भी पहले हम अपर लिमिट फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट यानी ओमेगनोट इन टी माइनस जीरो प्लस फिर हम क्या लिखेंगे अल्फा तो यहाँ है ही और टू भी यहाँ है उसको हमने बाहर ले लिया है इस टी स्केयर के स्थान पर टी के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट यानी टी स्केयर माइनस जीरो और प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर दीजिएगा आप देखिए यहाँ तो क्या बच जाएगा थीटा एंड इट इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी ये देखिए प्लस हाफ अल्फा टी स्केयर बिल्कुल सही ये आ गई है अब हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्यारे बच्चों ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन आप देख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा नोट और अल्फा कॉन्स्टेंट हैं इसलिए इस इक्वेशन को हम एंगुलर वेलोस्टी टाइम रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यहां पर देखिए इसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये इसके है ये देखिए और यहां देखिए ओमेगा नोट और अल्फा तो कॉन्स्टेंट है बस टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है दैट इज वाई दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स यानी कि ये जो चीज़ आगे ही इसका हमें यूज करना पड़ सकता है आगे चल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में और दूसरे जो आर्टिकल्स ड्राइव करेंगे उनमें इनका यूज डायरेक्ट कर पाएंगे ये हो गया हमारे पास वन अल्फा टी स्क्वायर ये हमारी यही जो इक्वेशन हमने लीनियर मोशन में पढ़ी थी उसी के इक्वलेंट है और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो चलिए बेटे अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया था जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल इसके इक्वलेंट हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी और उस समय मैंने बताया था हम दोनों चीजें लेके चलेंगे यानी कि एक्सेलरेशन भी और और वेलोसिटी भी तो चलिए देखते हैं वी नो

तो हम ये मिलेगा हम इसको लिखेंगे कि ये देखिए ओमेगा इधर चला जाएगा तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा कह देंगे और ये एल्फा के साथ थीटा हो जाएगा बस अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम जीरो टू टी चलिए कर रहे हैं इंटीग्रेट जब जीरो थी तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी ओमेगा नोट और जब टी टाइम था तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी ओमेगा ये देखिए ओमेगा इंटू डी ओमेगा इजिकल टू अल्फा तो कॉन्स्टेंट है ये हो जाएगी जीरो टू थीटा इंटू डी थीटा जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें क्योंकि यहां ओमेगा पहले से है तो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी राइट ओमेगा स्क्वायर लिमिट्स क्या है देखिए ओमेगा नोट टू ओमेगा इट इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास है पहले से ही और हम क्या लिखेंगे थीटा माइनस लिमिट्स रख देंगे तो जीरो देखिए और अब आप इस ओमेगा के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ये हो गया है एंड इट इज इक्वल टू ये देखिए जब इंटीग्रेट कहें पावर दो हो गई और दो से हम डिवाइड भी तो करेंगे ये दो भी हो गया देखिए इंटीग्रेट कैसे करते हैं पावर एक वन पावर है ना यहां पे तो पावर में वन ऐड किया तो टो हो गया तो से हमने डिवाइड कर दिया फिर लिमिट्स खोलते समय क्या किया पहले ओमेगा स्थान ओमेगा स्क्र फिर माइन ओमेगा नोट और ये हो गया अल्फा इन थीटा और प्यारे बच्चों इसको थोड़ा और लिख दीजिए आप ओमेगा माइनस ओमेगा इट इज इक्वल टू अल्फा थीटा यही तो है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो हमारी इस इक्वेशन के इक्वलेंट है फाइनल वेलोसिटी थी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल वेलोस्टी है इनिशियल एंगुलर वेलोस्टी है एक्सलरेशन है एंगुलर एक्सलरेशन है तो इस तरीके से आप तमाम ये जो तीनों इक्वेशन है उनको ड्राइव कर सकते हो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओमेगा नोट और एल्फा क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसलिए इस इक्वेशन को हम एंगुलर वेलोस्टी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी कहते हैं तो हम तमाम जो चीज़ें लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है वो उन फिजिकल क्वांटिटीज को रोटेशनल मोशन में कौन रिप्लेस करता है वो चीज पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आज इतना ही नेक्स्ट भी हमारा बेसिक कंसेप्ट आधारित ये वीडियो और या यू कहिए कि लेक्चर रहने वाला है उसमें हम टॉर्क हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और लाउफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे तो सभी तरह के सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें आने वाले वीडियो को भी और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने इस चैनल को जो फिज़िक्स के तमाम तरह के सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आएंगे आप किस तरह से फिजिक्स के तैयारी करें कैसे आप न्यूमेरिकल्स करें कैसे एग्ज़ाम्स के अच्छे मार्क्स लें उसके लिए किन किन बातों का आप ध्यान रखें इन तमाम बातों को हम आपको बताएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए प्यारे बच्चों आप इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेलाइकॉन भी दबा दें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद